नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। जी आज सीधी बात में हमारे साथ समाज अधिकार कल्याण पार्टी के उम्मीदवार चंडीगढ़ से जुड़े हैं। आइए इनसे सवाल जवाब करते हैं कि चंडीगढ़ सीट से इनका क्या नजरिया। जी सर, कुछ समस्याएं ऐसी बताइए कि जो चंडीगढ़ की जनता जिनसे मतलब सामना करती है, और वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हल मतलब अभी तक कोई पार्टी नहीं कर पाई और आप कर पाएंगे। कॉलोनी की समस्या पहले तो है जी, जो मारखान हत्या कॉलोनी होगा, कॉलोनी का एक जो फ्लैट है, मकान है जी, पावर कॉलोनी पे है मकान, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, मकान नाम नहीं है किसी के भी, पहले नंबर से नाम करवाएंगे जी। ये मुद्दा सर, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या मैनिफेस्टो है आगे, क्या मतलब कैसे चंडीगढ़ की जनता को संतुष्ट कर पाएंगे, क्या है आपने क्या प्रचार किया है? ये मतलब कॉलोनी की समस्या जो पानी की होगी, हाँ जी ठीक है, बेरोजगारी होगी ठीक है, जैसे 15,000 तनख्वाह मिलती है ठेकेदारों को, पढ़े लिखे हैं जो भाई बहन जो भी, उनको 8,000-9,000 तनख्वाह दी जाती है ठेकेदारी, ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए। जीत हम जिता के इनको भेज देते थे, अब कॉलोनी वालों ने हमारे को मतलब उतारा कि आप लड़ो, जितनी भी कॉलोनी आएंगी उन्होंने वही मदद कर रहे हैं मेरी, क्या आप लड़ो, हर जगह से समर्थन मिल रहा है मेरे को, जो जो कमियाँ कॉलोनी की, जो समस्या मैं कॉलोनी की समस्या मेरे को पता, कल मौली जगरा में घूमे, डोर टू डोर धनास में घूमे, धनास एक कॉलोनी है पत्थर मार्केट के लक्ष्य फ्रेंड के साथ, उसके अंदर पानी के लिए इतने बंदे तरस रहे हैं, पानी नहीं है ना, रोड है वहाँ पे, वहाँ जाके आप खुद पता कर रहे हो, जाके मौली जगरा में कल गए डोर टू डोर, वहाँ भी पानी के टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। ठीक है सर, आपकी पार्टी को कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है किस तरह से कुछ ऐसा, या कैसे आप अपना चुनाव प्रचार जो सामग्री है वो किस तरह से आप चुनाव कर रहे हैं? मेरी मदद कर रहे हैं, खर्चा मेरी मदद कर रहे हैं बंदे, कोई कंप्लेंट बनवा के दे रहा है, कुछ पार्टी भी दी है, कोई खाना दे रहा है, जो भाई है कॉलोनी के मेरे साथ जुड़े हुए वो मदद कर रहे हैं। किरण खैर या अनुभव गोयल जी जैसे दिग्गज नेताओं को छाटा? बिल्कुल सर, हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, हमने वहाँ देखा कॉलोनी की जो समस्याएं हैं, आज तक किसी भी नेता ने कॉलोनी की समस्या के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जीत जाते हैं और 5 सालों तक उसके बाद गायब हो जाते हैं यहाँ से, तो लोग इस बार बहुत नाराज हैं बड़ी पार्टियों से, और उन लोग हम लोगों को बहुत समर्थन दे रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।